अब नाम में क्या रखा, नाम क्या ही बताऊंगा। पैसे दिया था क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इतने पैसे नहीं कर रहा था, बिजनेस कर रहा यार। मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, मुझे हर सीए जाता है, हर सीए स्टूडेंट जाता है, बट आजकल ऐसी जगह बहुत एरिया में पढ़ाना करते हैं, लक्ष्मी नगर दिल्ली। तो मैं गया था लक्ष्मी नगर ऐसे घूमने के लिए, पढ़ा तो मैं वहाँ से नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैं जाके देखा ना, तो वहाँ अलग ही माहौल चल रहा है वहाँ पे। मतलब ना ब्लॉक के नाम है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, मुझे संजीव की कचौड़ियाँ मटरियाँ कहीं पर समोसा चल रहे हैं, वहाँ होता किसी बात का सीए नहीं है, पर सब खा रहे हैं वहाँ पे, माहौल कर रहे हैं केवल जाके। वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है, जैसे इंडियन लोकैलिटीज और सोसाइटीज में टिपिकल इंडियन आंटी जरूरत है, जो सुबह से रात तक बालकनी में टंगी रहती है, बारिश हो चाहे ठंड में, ठंड में शॉल लौड़ के और बारिश में छाता लेके। उनको ये जरूर पता है कि उनके बहू बेटे का तबियत क्या चल रहा है, पर उनको ये भी पता है कि अनुपमा के घर में क्या चल रहा है, क्योंकि 9 बजे वो देखती है। मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हर बनिया का एक पंजाबी दोस्त जरूर होता है, और हर पंजाबी का एक बनिया दोस्त जरूर होता है, और हर मारवाड़ी का और एक जैन का भी पंजाबी दोस्त जरूर होता है। अदरवाइज मत कीजिएगा, जस्ट फॉर जोक है। तो पंजाबी उसको सिखाते हैं कि चिकन कैसे खाना है, बाइकों में गेड़ियां कैसे मारनी है, और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में कैसे जाना है, दोस्तों में बाल कटिंग करानी कैसे है, और बनिया यही सब चीज उसको सिखाते हैं कि सस्ते में कैसे करना है। करते दोनों एक ही चीज है, पर सस्ते में बनिया बताते कैसे करना है। तो कैसे मैं और बनिया कभी भी घूमते हैं ना, मतलब सॉरी मैं और मेरा पंजाबी दोस्त कभी भी घूमते हैं ना, तो बिजनेस की बातें चलती है, तो वो हमेशा बोलते हैं भाई गल्ला संभाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ। अब जैसे मेरा दोस्त पंजाबी है, तो पंजाबी लोगों को कभी भी देखोगे ना, वो होते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स, वो लोग हमेशा उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे जो ऑलरेडी मार्केट एक्सप्लोर हो चुका है, पब्लिक देख चुकी है वो प्रोडक्ट को, किसी को फर्क नहीं पड़ता वो प्रोडक्ट से। पंजाबी लोग कर देंगे हैवी इन्वेस्टमेंट, और बनिया लोग करते महीन काम, जैसे बनिया मारवाड़ी लोग करते महीन काम। मेरे नॉन में एक है, वो है छोटी इलायची के एक्सपोर्टर, और वो लोग छोटी इलायची बेच बेच के बड़ी ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीद ले, इधर हम आज भी ऑटो से आए हैं यहाँ पे, तो वो भी खुद चला के। आजकल सबके फोन में जोमेटो में नोटिफिकेशन आ रहा होगा, जोमेटो वाले पूरे जिंदगी के अंदर तक घुस गए हैं। मेरे फोन में मैं संडे को बैठा था, क्योंकि संडे रहता नहीं अपने छुट्टी ऑफिस, तो भाई कॉमेडी के लिए यार पेशेंट बोले करने को, यार पेशेंट बोले। तो मैं संडे बैठा था, दाल चावल खा के 3:45 का टाइम था, तो नोटिफिकेशन आता ऊपर, बर्गर खाएंगे आप? आजकल ऐसी जोमेटो नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिंदगी के अंदर घुस गए सारे, दूसरे बिजली बन के बैठ गए। पहली तो यार मम्मी खोज के लाएगी, पहली वाली तो मम्मी ही लाएगी। तो फिर मैं बर्गर मंगा लिया, यार दिन के टाइम बर्गर बहुत पसंद है, बर्गर मंगाया। फिर शाम का जब हुआ, शाम को अपने कोई नोटिफिकेशन आया, चाय नहीं पी हो गए, तो मैं चाय कभी मैच की आ रहे, कभी छोटी सी आ रहे, कभी मैच की आ रहे।